नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या करना है, पहले प्रश्न में इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन देखते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। आर्न हेमलैंड तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और आर्न हेमलैंड तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये पहला कथन है। दूसरा है टॉरस जलसंधि। टॉरस जलसंधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया या केपियार्ड प्रायद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया बोल लो या फिर केपियार्ड प्रायद्वीप बोल लो, उसे अलग करती है। जबकि अराकुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, और जोड़ती किसे है, टॉरस जलसंधि अराकुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ देती है और अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया या केपियार्ड प्रायद्वीप से। तीसरा है बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया से अलग, जबकि तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। बॉस जलसंधि क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है उसको तस्मानिया से जो है पृथक करती है और तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ देता है बॉस जलसंधि, ये तीसरा कथन है। चौथा है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कोरल सागर में अवस्थित है। ये चारों कथन है और हमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। ये सभी कथन बिल्कुल सत्य है, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, डिसअपॉइंटमेंट झील। तो ये जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान भी है। आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचा स्थान भी है। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन्स स्टेपी पुस्टाज प्रेरी। तो डाउन्स कहते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान को, और स्टेपी यूरोप में बोला जाता है, पुस्टाज हंगरी में, और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, समशीतोष्ण घास के मैदान को। चलिए अगले पे आते हैं। इनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना बनाने वाली नदियां हैं मर्रे डार्लिंग, ये दोनों नदियां हैं, केवल एक या दोनों या फिर एक या दो। तो एनकाउंटर की खाड़ी में जो मुहाना बनाती है वो मर्रे और डार्लिंग, ये दोनों नदियां ही बनाती हैं एनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना। चलिए अगले में देखते हैं। फिल्डर पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। फिल्डर पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यह स्थित है। फिल्डर पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है और ये कहाँ पे स्थित है हमें ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिल्डर पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है और ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। अगला देखते हैं। कथन दिए गए हमें बताना है सत्य कथन कौन से हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी है दूसरा है पूरे ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कोजियस्को जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर अवस्थित है। ये सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोजियस्को, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। तो ये दोनों कथन हमें बताना कौन सा सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देशों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के जो पड़ोसी देश है उसे हमें बताना है कौन कौन से शामिल है। इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, उपरोक्त सभी। इनमें से मतलब कौन से हैं, तो ये उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। एक बार देख लेते हैं इनकी अवस्थिति। ये जो इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर है, और जो ये पापुआ न्यू गिनी है। इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी ये जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, उत्तर में है, और जो ये सोलोमन द्वीप है वनुअतु है और जो है न्यू कैलिडोनिया है ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है, और जो ये न्यूजीलैंड है ये साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये इनकी अवस्थिति। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है माउंट अगस्टस। माउंट अगस्टस दुनिया का सबसे बड़ी पत्थर का खंभा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का खंभा माउंट अगस्टस माना जाता है, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवस्थिति है माउंट अगस्टस का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का खंभा है। दूसरा है पर्थ, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। पर्थ भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। यह बंदरगाह भी है, फ्रीमेंटल बंदरगाह पर्थ के भार को कम करने के लिए बनाया गया। और फ्रीमेंटल बंदरगाह जो है इसके पर्थ के भार को कम करने के लिए बनाया गया। और फ्रीमेंटल भी एक बंदरगाह है जो कि इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया था। तो ये दोनों कथन हमें बताना कौन सा सही है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। हमें इनकरेक्ट देखना है इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। सिडनी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की जो सड़कें हैं, प्रमुख सड़कें हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? कॉमनवेल्थ महामार्ग। तो कॉमनवेल्थ महामार्ग इसे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सड़कों को। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ मेरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। और भेड़ों की किस जाति की भेड़ों का पालन किया जाता है? मेरिनो जाति की भेड़ों का पालन किया जाता है। अगला है, भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। तो जो जेकारू है उन्हें क्या कहा जाता है? वो क्या काम करते हैं? भेड़ पालन केंद्र जो बने हुए हैं, जहां पे भेड़ों को पाला जाता है, उन केंद्रों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको जेकारू कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को क्या बोला जाता है? तो वो है जेकारू। और यहाँ पे सबसे अधिक कौन सी जाति की भेड़ पाली जाती है? मेरिनो। और यहाँ की सड़कों को क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ महामार्ग। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और बंदरगाह है। ये सभी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं इनकरेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट देखना था, कोई भी असत्य नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहा जाता है, जो वहां के मूल निवासी उन्हें क्या कहा जाता है? देखते हैं, जेकारू माओरी। जेकारू तो अभी देखा हमने, जो वहां के मजदूर हैं भेड़ पालन केंद्रों में उन्हें बोला जाता है। माओरी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है माओरी। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल क्षेत्र है, वहां के मरुस्थल कौन कौन से देखते हैं एक बार, किनमें से कौन कौन से शामिल है? ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट। तो हमें बताना है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कौन कौन से हैं। ग्रेट सैंडी भी है, सिम्पसन भी है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है, गिब्सन भी है, गिब्सन सिप्सन याद रखिएगा, और स्टुअर्ट। तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी वहां के मरुस्थल हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। और ये पूर्णता मतलब पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ पोल में स्थित है। ये पहला कथन है। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया की खोज वर्ष 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगला है, कालगुरली और कुलगार्डी खनन केंद्र पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के में अवस्थित है। और ये किसके लिए है? इस गोल्ड के लिए है, गोल्ड यानी सोना खनन के लिए है। कालगुरली और कुलगार्डी खनन केंद्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पठार हैं, हम देखते हैं इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलिया के पठार हैं। क्वींसलैंड का पठार, कार्नर वॉन का पठार, न्यू इंग्लैंड का पठार, ब्लू पर्वत पठार और बर्बले का पठार, अर्नहम का पठार और हेम सलेप का पठार। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के पठार हैं। क्वींसलैंड, कार्नर वॉन, न्यू इंग्लैंड, ब्लू पर्वत, ब्लू माउंटेन,
बर्कले का पठार, अर्नहम का पठार और हेर्म सले का पठार, ये सारे प्लेट्यू हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, तो उपरोक्त सभी हैं। अगला देखते हैं ब्रिक फिल्डर क्या है। ब्रिक फिल्डर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। जो यूएसए में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है उसका नाम चिनूक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो विक्टोरिया प्रांत में चलती है वो है ब्रिक फिल्डर है। तो आज के लिए इतना ही।